हेलो एवरीवन, वेलकम टू होमवर्क कॉर्नर। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं लेकर आई हूँ वो है हमारी वर्कशीट रोमन न्यूमरल्स से लेकर। इससे पहले मैं आपको रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स क्या होते हैं, कैसे रोमन न्यूमरल्स को लिखा जाता है, ये मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन दोनों में मैंने उसका लिंक दिया है। ये जो वर्कशीट है ये मैंने उसी चैप्टर से रिगार्डिंग बनाई है। इनको इसको करने के बाद आप अच्छे से, आपको रिवीजन हो जाएगा, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है, राइट द रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। यहां पर आपको लिखना है रोमन न्यूमरल्स, जैसे 8 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, वी आई आई। और बाकी क्वेश्चन को हम ऐसे ही करेंगे, 11 को हम लिखेंगे एक्स आई। यहाँ पे 38 है, 17, 15, 7। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट द हिंदू अरबिक न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। इनको हमें हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में लिखना है। जैसे एक्स एक्स हमारा स्टैंड करता है 20 को और आई वी करता है 4 को, तो टोटल हमारा हो गया 24। नेक्स्ट है हमारा एक्स आई एक्स, एक्स आई ट्रिपल एक्स, एक्स वी डबल आई, एक्स एक्स आई वी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राइट ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल का साइन हमें पुट करना है। यहां पे हमारा लिखा हुआ है 33 और यहां पर है हमारा एक्स 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 वी आई। अब 33 तो हम पहचान लेंगे, लेकिन ये क्या वैल्यू है, ये कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा वो हम देखेंगे। ट्रिपल एक्स जो हमारा है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर 30 को और वी आई रिप्रेजेंट करता है नंबर 6। तो ये हो गया हमारा 36। इस हिसाब से 33 और 36 में 36 बड़ा है, सो जो हमारा साइन होगा वो इधर की तरफ होगा। नेक्स्ट है हमारा एक्स आई वी और 14। सी है हमारा ट्रिपल एक्स 20, एक्स आई एक्स और 11। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यहां पर हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर दूसरा नंबर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा। पहला मैं आपको कर दिखाती हूं। ये है हमारा एक्स आई वी, ये है हमारा वी डबल आई आई एक्स और एक्स। सबसे पहले हमें जानना होगा कि इन सारे नंबर्स में से सबसे छोटा कौन सा है। सबसे जो छोटा है वो है हमारा वी डबल आई, क्योंकि इसकी वैल्यू यहां पर है 7। सबसे पहले हमारा आएगा वी डबल आई, इसलिए हम यहाँ पे छोटा सा एक क्रॉस का साइन पुट कर देंगे। अब इन तीनों नंबर्स में से चेक करेंगे कि हमारा बड़ा कौन सा है। इसके बाद हमारा है आई एक्स, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है नंबर 9 को। अगला नंबर है हमारा आई एक्स, उसके बाद आता है हमारा एक्स और उसके बाद हमारा आएगा एक्स आई वी, ये है हमारा नंबर 14। ऐसे ही आप दोनों बाकी दो सम जो क्वेश्चन है इसमें उन्हें करेंगे, तीन है सॉरी बी सी और डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है अरेंज द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन डिस्केंडिंग ऑर्डर। डिस्केंडिंग ऑर्डर इसका मतलब होता है उनको घटते क्रम में, यानी कि पहले बड़ा फिर दूसरा नंबर उससे छोटा फिर उससे छोटा। पहला मैं आपके लिए करके दिखाती हूँ कैसे करेंगे पहले क्वेश्चन को हम। पहले यहाँ पे हमारा एक्स एक्स आई वी, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे नंबर 24 को, ये रिप्रेजेंट करेगा 25 को, ये रिप्रेजेंट करेगा 31 को और ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा 18 नंबर को। तो सबसे बड़ा इनमें कौन सा है, 31 यानी कि ट्रिपल एक्स आई। अगला है हमारा 25 यानी कि डबल एक्स वी, फिर हमारा 24 एक्स एक्स आई वी और फिर लास्ट हमारा 18। आपको समझ में आया? ऐसे ही हमारा क्वेश्चन बी है, सी है और ये हमारा है डी। इन सब नंबर्स को हमें अरेंज करना था डी स्कैनिंग ऑर्डर में। ये थी हमारी वर्कशीट जो कि रोमन न्यूमरल्स से थी। आप इस वर्कशीट पे प्रैक्टिस करिएगा और मैं उम्मीद करती हूं आपका इससे रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।